मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज से राजस्थान में सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। इस प्रकार से आपकी कक्षाएं पूर्ण में संचालित रही हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। इसी प्रकार से पुनः एक बार हम आपके साथ पेपर फर्स्ट कोर्स नंबर 1 है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके यूनिट 3 पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। इस यूनिट नंबर 3 जो है, जिसका लास्ट टॉपिक आपको क्लास में डिस्कशन किया था ऑडियो के माध्यम से, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और इकोनॉमिक चेंजेस, आर्थिक परिवर्तन। आज जो यूनिट है वह है एडोल्स एंड डेवलपमेंट। इसका अर्थ क्या है? किशोर अवस्था में विकास, या कह सकते हैं किशोर अवस्था में विकास के अंतर्गत किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हमें समझनी चाहिए, दृष्टिगोचर करनी चाहिए। जैसा कि आपको मैंने पूर्व विदित कई सारी क्लासेस रखी हुई, जब हम यूनिट फर्स्ट ही पढ़ रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, तब तो आपको बताया था कि एडोलसेंट जो है जिसको हम हिंदी में किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं, किशोर अवस्था के लिए जो अंग्रेजी में पर्याय होता है या अंग्रेजी में जो शब्द का यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एडोलसेंस। क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। और एडोलसेंस क्या होता है? एडोलसेंस को ही हम हिंदी में क्या कह देते हैं? किशोर अवस्था, या इसी को हम बोल देते हैं वयस्कता काल। ठीक है, ये बात आपको आसानी से समझ में आएगी क्योंकि ये क्लास में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब इस शब्द की हम चर्चा करते हैं कि एडोलसेंस जो शब्द है, आखिर इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है। जब इसकी चर्चा करते हैं एडोलसेंस की, तो इसकी जो उत्पत्ति है वो एक लैटिन भाषा से हुई है। तो आपसे कभी भी ये प्रश्न आ जाए कि एडोलसेंस या किशोर अवस्था जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो उत्तर क्या होगा? लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। जब हम इसकी बात करते हैं कि लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, तो ये भी मालूम होगा, ये होना चाहिए कि एडोलसेंस जो शब्द है उसका लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है। तो उसको लैटिन भाषा में बोलते हैं एडोलसियर। क्या बोलते हैं? एडोलसियर। अंतर किसका है? एडोलसेंस और एडोलसियर। ये सेंस किशोरावस्था, जहाँ सेंस है यहाँ बच्चों में सेंस की उत्पत्ति हो जाती है, और यह है एडोलसियर। सियर का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है, ये लैटिन भाषा का शब्द है एडोलसियर, इसका इंग्लिश हम कह सकते हैं टू ग्रो टू मैच्योरिटी। क्या बोल सकते हैं? टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ये आपको मैंने कई बार बताया है मैच्योरिटी, परिपक्व अवस्था जिसको हम बोल सकते हैं। मैच्योरिटी होती है फिजिकली जो ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होना, मेंटली डेवलपमेंट होना। तो मैच्योरिटी के अंतर्गत सारी क्या आ जाती हैं? चेंजेज आ जाते हैं जो बॉडी के अंदर अकर होते हैं एक चाइल्ड के अंदर, हम चाइल्ड डेवलपमेंट की जब चर्चा करते हैं। दूसरी बात, मैच्योरिटी के माध्यम से जो भी कुछ सीखा जाता है, मैंने आपको बताया है मैच्योरिटी के माध्यम से जो सीखना होता है वो कभी भी किस पे नहीं आएगा, वो लर्निंग में काउंट नहीं होता है, वो अधिगम में या सीखने में काउंट नहीं होता है। क्योंकि सीखने में जो चीज़ें काउंट होंगी उसके लिए दो विशेषताएँ मैंने आपके लिए बताई हैं कि सीखने के लिए पहली शर्त क्या है कि वो बाई एक्सपीरियंस हो, अनुभव के माध्यम से हो, वो बाई प्रैक्टिस हो। दो चीज़ें भाई एक्सपीरियंस है, भाई प्रैक्टिस है, वो सीखना क्या कहलाता है? अधिगम की श्रेणी में आता है। तो इसको जो अर्थ है एडोलसियर का लैटिन भाषा का, उसका इंग्लिश में क्या अर्थ आ रहा है? टू ग्रो टू मैच्योरिटी। इसका अर्थ यदि हम हिंदी में समझें तो क्या है कि किशोर अवस्था का जो शाब्दिक अर्थ हुआ लैटिन भाषा से तोड़ते हुए, वो हुआ परिपक्वता की ओर बढ़ना, या हम कह सकते हैं कि परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है बच्चा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसमें क्या हो रही है? इसको हम कह सकते हैं उसमें ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये इसकी सामान्य क्या है, हम इसका कह सकते हैं मीनिंग ऑफ एडोलसेंट, क्या इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब इसका हम पारिभाषीकरण समझें कि क्या क्या इसकी परिभाषाएं हो सकती है, किस प्रकार से इसको बांटा जाता है, परिभाषीकरण किस प्रकार से किया गया है। और मैच्योरिटी का अर्थ क्या है कि अब वह इतना योग्य हो गया है, बच्चा इतना योग्य हो गया है
कि अब वो क्या कर सकता है, वह अपनी प्रोजेनी संतति क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। इसका मतलब परिपक्वता की ओर बढ़ना, उसके अंदर ये क्षमताएं ये भी आ जाती हैं, उसके अंदर क्या होता है गोनेट्स की क्या होती है मैच्योरिटी होती है, उसके अंदर सेक्सुअल सॉरी उसके अंतर्गत सेक्सुअल जो एबिलिटी है वो डेवलपमेंट में आ जाती है। अब इसकी हम चर्चा करते हैं कि ये मीनिंग्स थी, अब इसका हम शाब्दिक अर्थ हमने समझा, अब इसका दूसरा अर्थ जो इसका प्रद अर्थ हम कह सकते हैं कि इसका आखिर किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा। एडोलेसेंस की जब हम चर्चा करते हैं तो जो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है वो किसका आता है, स्टैनली हॉल का, स्टैनली हॉल का नाम आता है। स्टैनली हॉल का जो अध्ययन था जो एडोलेसेंस को लेकर हुआ है वो अन्य जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए साइकोलॉजिस्ट हुए उन सबके लिए क्या है, एक आदर्श सूचक रहा। कैसा रहा, एक आदर्श सूचक रहा है। स्टैनली हॉल ने ही जब हम परिभाषीकरण की चर्चा करते हैं तो उन्होंने ये कहा कि किशोर अवस्था प्रबल दबाव तूफान और झंझावतों की अवस्था होती है। यदि स्टैनली हॉल की हम चर्चा करें तो प्रबल दबाव तनाव व झंझावतों की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। कह सकते हैं प्रबल तनाव दबाव व झंझावतों की अवस्था भी हम इसको कह सकते हैं। और ये हम क्या कह सकते हैं, ये अध्ययन किया था स्टैनली हॉल ने और उनका जो अध्ययन था वो इसके लिए एक लैंडमार्क कहा जाता है। और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, उस किताब का जो नाम था वो क्या था, एडोलेसेंस नाम की एक किताब लिखी थी, या इसको हम कह सकते हैं एप्लेटन। एडोलेसेंस जो किताब लिखी थी उन्होंने, कभी पूछी नहीं गई है आज तक, लेकिन बोला जाता है एडोलेसेंस नाम की उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, या एप्लेटन जिसको कह सकते हैं। स्टैनली हॉल ने ये पुस्तक लिखी थी, स्टैनली हॉल ने, और उन्होंने इस पर ये अध्ययन करके बताया था किशोर वय की जो अवस्था है या वय संधि काल जो होता है वो प्रबल दबाव तनाव है झंझावतों की अवस्था होती है। इसको बारे में यदि हम समझना चाहें कि उन्होंने ऐसा किस आधार पर कहा, तो उन्होंने इसका जो मुख्य आधार रखा था वो रखा था कि इसके अंतर्गत जो शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत तीव्र गति से होते हैं। इस कारण से यदि हम इसकी जब विशेषता देखेंगे तो वो हमें समझ में आएगी कि किशोर अवस्था जो होती है, किशोर अवस्था से यदि हम पहले की चर्चा करें कि कौन सी अवस्था इससे पहले आती है, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि किशोर अवस्था से पहले की जो पूर्व की अवस्था होती है वो क्या होती है, वो होती है चाइल्डहुड। कौन सी होती है, चाइल्डहुड होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, बाल्य अवस्था। तो बाल्य अवस्था के अंत से लेकर के और अगली अवस्था जो उसके बाद आती है जिसको हम बोलते हैं एडल्टहुड या वयस्क अवस्था। तो इसका क्या हुआ कि बाल्यावस्था के अंत से लेकर के जो वयस्क अवस्था होती है जिसको हम बोल सकते हैं एडल्टहुड, उसके प्रारंभ तक की अवस्था के मध्य का जो काल होता है वो क्या कहलाता है, वह संधि काल कहलाता है। अब इसमें हम पहली जो परिभाषा समझते हैं वो किसकी समझते हैं, जर्सिल्ड महोदय की समझते हैं। किसकी समझेंगे, जर्सिल्ड महोदय की समझेंगे कि उन्होंने क्या कहा है किशोर अवस्था के बारे में। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जर्सिल्ड है, JERISILD, जर्सिल्ड इनको कहते हैं। इन्होंने ये कहा था कि किशोर अवस्था कैसी अवस्था है, किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्ति बाल्यावस्था से और प्रौढ़ावस्था तक पहुँचता है। यही मैंने बात आपको समझाना चाहिए कि वो जर्सिल्ड महोदय ये कहते हैं कि कैसी अवस्था है, एक विकासमान जो व्यक्ति होगा, जो वो विकास की ओर अग्रसर होगा, जो डेवलपमेंट चाहता है, वो कहाँ से बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक पहुँचने का कार्य करता है, किस अवस्था के माध्यम से करता है, वो करता है किशोर अवस्था के माध्यम से। ये हुई जर्सिल्ड महोदय की परिभाषा। हम दूसरी बात करते हैं इसी में, वो बात क्या है, वो जो परिभाषीकरण किया है वो किया है आइजैक महोदय ने। किसने किया है, आइजैक महोदय ने किया है। उन्होंने ये कहा है